फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस किचन। आज मैं बना रही हूँ जैकफ्रूट का कटलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है जैकफ्रूट, बॉइल किया हुआ पोटैटो जो मैंने स्मैश करके रखा है, बेसन, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड मिर्च, ब्लैक सॉल्ट, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर, और ये चॉप किया हुआ ऑनियन, चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर और ये हरा धनिया। अभी मैं जैक फ्रूट को एक प्रेशर कुकर में डाल के 2-3 सीटी लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। कटलेट बनाने के लिए बॉइल करना ज़रूरी होता है और आपको ये कच्चा ही लेना है, पक्का कटहल से ये नहीं बनता है। अभी ये बॉइल्ड हो चुका है, अभी मैं इसको छान लेती हूँ। अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखती हूँ। ठंडा होने के बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, अभी मैं इसको स्मैश कर लेती हूँ। ये अभी अच्छे से स्मैश हो चुका है। अभी मैं इसमें बॉइल किया हुआ आलू डाल रही हूँ। चॉप किया हुआ ऑनियन, हरी मिर्च, कटी हुई गार्लिक, हरा धनिया, मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और ये बेसन डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच। आप इसको मिक्स करने के बाद अगर आपको ये पतला लगा तो आप और बेसन डाल सकते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये अच्छे से स्मैश हो चुका है। अभी मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं हाथ में थोड़ा तेल लगा रही हूँ ताकि ये हाथ में चिपक ना जाए। अभी इसको काटलेट शेप में बना रही हूँ। आप इसको गोल शेप भी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी शेप दे सकते हो इसको। देखिए मैं अलग अलग शेप में बना रही हूँ इसको। खाने के लिए सब कुछ अलग अलग शेप देंगे ना, उनको भी बहुत पसंद आएगा। और ये कटहल हेल्दी भी रहता है, आप इसको ऐसे बनाएंगे तो फिर बच्चे भी खाएंगे और इवनिंग स्नैक्स में भी आप बना सकते हो। ये बहुत टेस्टी होता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए एक बार घर में। ये बन चुका है। देखिए ये अभी रेडी है, अभी इसको फ्राई करना है।
कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। अभी तेल थोड़ा गर्म होने दीजिए। अभी ये तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसको लो फ्लेम में रखा है। आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम में रख के फ्राई कीजिए ताकि ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। अभी मैं इसको एक साइड पलट देती हूँ। देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। एक एक करके अच्छे से पलटना है। अभी एक साइड और फ्राई होने देती हूँ। देखिए अब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके कलर भी देखो, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी मैं गैस बंद करती हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसको थोड़ा प्लेटिंग करती हूँ टमाटो केचप के साथ। बच्चों को टमाटो केचप के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कीजिए। देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये 10,000 लाइक तक जरूर पहुँचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।